पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। अमरोहा के ढोलक कारोबारी से जुड़ेंगे पीएम। अमरोहा में ढोलक के 300 कारखाने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज जाएंगे उज्जैन। महाकालेश्वर के करेंगे दर्शन। कालिदास अकादमी के संकुल में होंगे शामिल। सोमवार को इंदौर दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आंगनवाड़ी बच्चों के लिए ठेला निकालेंगे सीएम। सरकारी सुविधाओं से जोड़ने की करेंगे शुरुआत। आईपीएल 2022 का फाइनल मैच आज। पहले खिताब के लिए गुजरात तैयार। 14 साल बाद चैंपियन बनने पर राजस्थान की नजर। और कोरिया के पुराने कॉलेज की लाइब्रेरी से 52,000 किताबें चोरी। चोरी की कीमत 1 करोड़ रुपया की जा रही। कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही उजागर। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अमरोहा के ढोलक कारोबारियों से संवाद करेंगे। इसके लिए तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम का प्रसारण लकड़ी हस्तकला एसोसिएशन के अध्यक्ष शक्ति कुमार अग्रवाल के कारखाने में होगा। लाइव प्रसारण कराने के लिए दिल्ली की तकनीकी टीम अमरोहा पहुंच गई है। अमरोहा की ढोलक देश दुनिया की में पहचान बना चुकी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक जिला एक उत्पाद में अमरोहा की ढोलक को रखा है। अमरोहा में ढोलक के करीब 300 कारखाने हैं, जिसमें करीब 4,000 से अधिक मजदूर जुड़े हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उज्जैन जाएंगे, महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे। वहीं कालिदास एकेडमी के संकुल में होने वाले आयुर्वेद के महाधिवेशन में शामिल होंगे। उनके आगमन की तैयारियां की गई हैं। पूरे शहर को सजाया गया है और महाकाल मंदिर में भी सजावट की गई है। गर्भगृह को मोगरे के फूलों से सजाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को इंदौर में होंगे। साथ ही इंदौर में भी आंगनवाड़ी बच्चों के लिए ठेला लेकर निकलेंगे और खिलौने किताबें एकत्रित करेंगे। आपको बता दें कि प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक सीएम ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करेंगे। इसके साथ ही समाज को सरकारी सुविधाओं से जोड़ने के लिए अडॉप्ट आंगनवाड़ी अभियान की भी शुरुआत करेंगे। वहीं इंदौर में 1839 आंगनवाड़ियां हैं, जो कि सभी गोद ली हुई हैं। गोद लेने वाले जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आम लोग भी वहां शामिल हैं। सांसद और कलेक्टर ने भी एक एक आंगनवाड़ी गोद ली है। समाजसेवी अब तक 1.25 करोड़ दान भी कर चुके हैं। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज एडिटर राजेंद्र कानूनगो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, अब भोपाल के बाद अब सीएम शिवराज इंदौर जाएंगे और वहां की आंगनवाड़ी में वहां के बच्चों के लिए ठेला अभियान निकालेंगे। बिल्कुल प्रियंका जी, जिस प्रकार से सीएम शिवराज जी ने जो है भोपाल में एक अभियान चलाया था जी, कि एक ठेला लेकर के वो निकले, इतना साहसपूर्ण कार्य किया था उन्होंने। और ठेला लेकर के जब निकले वो, कि बच्चों के संबंधित जो है वो आंगनवाड़ी बच्चों के लिए खिलौने और अन्य आवश्यक वस्तुएं, न सिर्फ खिलौने बल्कि और जरूरी चीजें उन्होंने एकत्रित करने के लिए वो नीचे सड़क पर आए थे। और खास बात ये है कि वो भोपाल में 5 ट्रक जो है भर करके और सामग्री लोगों ने खुले हाथों से आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए दी। इसी क्रम में शिवराज जी कल इंदौर जा रहे हैं और इंदौर में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया वो अपना करके ठेला लेकर के निकलेंगे और लोगों से आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए जरूरी चीजें और खिलौने इत्यादि वो बोलेंगे कि आप जो है उनके लिए, बच्चों के लिए आप दान करिए। जी। तो इस प्रकार शिवराज जी का जो ये एक नया प्रकार का जो अभियान है उसको भारी सफलता मिल रही है। लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और जरूरी चीजें जो है वो बच्चों को मुहैया की जा रही है। इसके साथ ही प्रियंका जी, एक और चीज शिवराज जी ने कही है जी, कि आंगनवाड़ी आप गोद लें,
तो इसमें भी बड़ी सफलता मिली है। लगभग 1800 से अधिक आंगनवाड़ी जो है वो लोगों ने गोद ली है, जिसमें सांसद लोग भी हैं, विधायक भी हैं, अधिकारी वर्ग भी है। इस प्रकार से खुद कलेक्टर इंदौर ने एक आंगनवाड़ी जो है वो गोद ली है। तो इस प्रकार से कहा जाए तो लोगों में जागरूकता बढ़ी है बच्चों के प्रति। और शिवराज जी का जो खास मकसद है इसके पीछे, बच्चों का कुपोषण दूर करना, तो कुपोषण दूर करने के हित में अनेक प्रकार के अभियान अब चलाए जा रहे हैं और आगे चलाए जाएंगे। और ये प्रदेश के लिए, प्रदेश के बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ही भविष्य के निर्माता हैं, तो उनके लिए बड़ी एक संतोष की बात होगी और बड़ी खुशी की बात होगी पेरेंट्स के लिए भी कि बच्चों के लिए इतना काम मुख्यमंत्री शिवराज जी कर रहे हैं। और जी मामा के बुलडोजर के बाद अब मामा की आंगनवाड़ी सफल होती नजर आ रही है। बिल्कुल, बुलडोजर एक अलग प्रक्रिया है। बुलडोजर जो चला है वो अपराधियों पर चला है और हो सकता है कि ये आगे भी चलता रहे और अपराधी जो है भयभीत होकर के अपराध करना त्याग दें। और इस प्रकार से एक प्रकार से आंगनबाड़ी का जो कार्यक्रम है जो उन्होंने चलाया है शिवराज जी ने, तो उसको हम समाज के जागरूकता की दृष्टि से देखें और जागरूक नागरिक बन करके और सब इसमें सहयोग देंगे तो निश्चित रूप से आंगनबाड़ी वाला अभियान भी उनका जो है वो सफलता की ओर अग्रसर होगा। जी जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आईपीएल मैच में नीलामी के बाद गुजरात टाइटंस की टीम ने बिना परखे उन्हें फाइनल की दौड़ से बाहर मान लेने वाले क्रिकेट पंडितों और आलोचकों को अपने प्रदर्शन से करारा जवाब दिया है। वहीं राजस्थान की टीम दिवंगत शेन वॉर्न को जीत के साथ श्रद्धांजलि देना चाहिए। 2 महीने पहले जब आईपीएल का 15वां सीजन शुरू हुआ था तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि 29 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस के लिए गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन उतरेंगे। लीग ने 73 मैच खत्म होने के बाद अब खिताब की दहलीज पर खड़ी दोनों टीमों पर बहुत कुछ दांव पर लगा दिया है। कोरिया जिले के चिरमिरी में सबसे प्राचीन शासकीय कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी से 52,000 किताबें चोरी हो गई हैं, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खास बात यह है कि इस काम के लिए बकायदा चोरों को न्योता दिया गया था। वहीं इस लाइब्रेरी में किताबें ले जाने के लिए चोरों ने कॉलेज गेट का ताला तोड़ा और लाइब्रेरी का दरवाजा तोड़ा। साथ ही अंदर रखी हुई अलमारियों के ताले खुले हुए थे। लाइब्रेरी में सुरक्षा गार्ड ना रखना कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही को उजागर करता है। बहरहाल इसकी सूचना चिरमिरी थाना को दे दी गई। वहीं पुलिस अब इसकी जाँच कर रही है। कोरिया का ये पूरा मामला जहां पर शासकीय कॉलेज की लाइब्रेरी से किताबें चोरी हो गई हैं और बताया जा रहा है कि जानबूझकर ये किताबें चोरी करवाई गई हैं। जिस तरीके से ताला तोड़ा गया है और वहां की जो अलमारियां हैं उनके ताले खुले हुए थे, कोई गार्ड वहां पर नहीं था, इन सबको देखकर यही लगता है कि मिलीजुली भगत के चलते ये चोरी हुई है। करीब 52,000 किताबें चोरी हुई हैं और इस पर अधिक जानकारी के लिए हरिओम पांडे कोरिया से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिओम, शासकीय कॉलेज की जो लाइब्रेरी है, पुरानी लाइब्रेरी, वहां पर चोरी का मामला सामने आया है, आखिर क्या था ये पूरा मामला? छत्तीसगढ़ में कोरिया स्थित शासकीय कॉलेज पुरानी लाइब्रेरी में लगभग 52,000 किताबें चोरी हो गई हैं जी, और इन किताबों की कीमत लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है। जब चोरों ने कॉलेज का ताला तोड़ा और लाइब्रेरी का दरवाजा तोड़ा, खास बात यह है इसमें, क्योंकि लग रहा है कि चोरों को न्योता दिया गया था, या इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि दरवाजे में पूरी तरह दीमक लगा हुआ था, अंदर रखी हुई अलमारियों में ताले खुले थे, जिनमें ताले लगे थे उनकी भी चाबी तालों के बाहर लटक रही थी।
और यह पुराना कम से कम 60 साल पुराना शासकीय लाहड़ी कॉलेज है जो चिरमिरी में स्थित है। सरगुजा संभाग का पहला और छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे हायर एजुकेशन सेंटर की शुरुआत इसकी 1953 में हुई थी। बहुत पुराना माना जाना ये लाइब्रेरी था और कॉलेज है। यहाँ लाइब्रेरी में देश विदेश के कई लेखकों की किताबें थी, इनमें से ब्रिटिश काल से लेकर अब तक की विज्ञान राजनीतिक शास्त्र कई तरह की किताबें थी जी। जिस तरीके से ये चोरी हुई है और ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि चोरों को न्योता दिया गया था, तो क्या किसी पे आशंका जताई जा रही है, कौन किसकी मिली भगत इसमें हो सकती है? चोरों को न्योता इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि वे वहाँ पर पूरे कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और नया 2014-15 में कॉलेज का नया भवन बना है, उसके बावजूद ये पुरानी लाइब्रेरी को की किताबें नए भवन में शिफ्ट नहीं की गई। लाइब्रेरी में पूरे दरवाजों में अलमारी में दीमक लगा हुआ था, ताले कई खुले थे, जो ताले बंद थे उसकी भी उसमें भी तालों के साथ चाबियां लटक रही थी, इसलिए हम बोल रहे हैं कि चोरों को न्योता दिया गया था। और प्रबंधन की भारी लापरवाही देखने को मिली है, यहाँ पर सुरक्षा गार्ड भी मौजूद नहीं रहता है, उन्होंने माना है कि सुरक्षा गार्ड हमने नहीं रखा था जी। और ये बिल्कुल हरिओम, तस्वीरों में भी नजर आ रहा है कि वहाँ की जो लाइब्रेरी है किस तरीके से खंडर में तब्दील नजर आ रही है, जाले लगे हुए हैं, दीमक लगे हुए हैं और पूरा एकदम कचरा नजर आ रहा है, वहाँ पर गार्ड नहीं है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें और जिस तरीके से आज चोरी हुई है, ये कहीं ना कहीं जो कॉलेज प्रबंधन है उस पर बड़ा सवाल खड़े कर रहा है जी। बिल्कुल, ये यहाँ पर लाइब्रेरियन बिलाल अहमद से जब हमने बात की तो वो बता रहे हैं 17 मई को मुझे पता चला कि चोरी हुई है, जबकि प्रभारी प्रचार जो डॉक्टर आरती तिवारी कहती हैं कि 23 मई को मेरे को जानकारी मिली। फिर और पुलिस के पास कंप्लेन गई है तो उस पर पूछा गया तो 26 मई को FIR दर्ज हुई है। तो ये सब मामले देखते हुए पता चल रहा है कि कॉलेज प्रबंधन की भारी लापरवाही देखी जा रही है और ये जो चोरी हुई है सिर्फ कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही के कारण ही हुई है जी। मतलब जवाब भी सही तरीके से नहीं मिला, गोलमोल जवाब नजर आया, सबके अलग अलग बयान सामने आए जी। कॉलेज प्रबंधन में सबकी अपनी अपनी तारीखें हैं और आरती तिवारी जी को जानकारी मिलने के बाद लिखित शिकायत चिरमिरी थाने में की गई है, लेकिन पुलिस ने अब तक जांच शुरू नहीं की है। उनका कहना है, वही थाना प्रभारी जिसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि 26 मई को केस दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है। अभी तक जानकारी के अनुसार अभी तक किसी भी चोर को पकड़ा नहीं गया है और कॉलेज प्रबंधन का शक है कि ये कबाड़ी भी इतनी किताबें चुरा सकते हैं जी। पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है अब तक चोरों को नहीं पकड़ा गया है, चोर पकड़े नहीं जा सके हैं, तो क्या पुलिस की छानबीन में कोई ऐसा तथ्य निकल कर आया जिससे पता चल सके कि ये चोरी थी या फिर चोरी कराई गई थी? जी नहीं, अभी पुलिस जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि इतनी सारी किताबें एक बार में चोरी नहीं हो सकती है, धीरे धीरे करके ही चोरी हुई है। वहीं कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि ये एक साथ चोरी हुई है, कॉलेज का ताला तोड़कर और अलमारियों को ताला तोड़कर, जबकि अलमारी के ताले ऑलरेडी खुले हुए थे, सब में चाबियां लटक रही थी, खंडहर नुमा पूरा इतना पुराना और लाइब्रेरी था, बेशकीमती लेखकों की ये किताबें थी, ये पूरी पूरी कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही के कारण ही ये हुआ है जी। बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा मामला नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही साफ नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया हरिओम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तारीख को हमारे स्टाफ के द्वारा पता चला कि पुरानी लाइब्रेरी में कोई अनहोनी हुई है, तो जब हम चार लोग जब वहाँ गए देखने तो बाहर से देखे कि ग्रिल का ताला टूटा हुआ था और अंदर के दरवाजे टूटे हुए थे, और बाहर जो जाली लगा हुआ उससे देखने पे पता चला कि अलमारी की पूरी खाली दिख रही है। तो ये हम सूचना जाके प्रिंसिपल को दिए जो का ताला खोलकर अंदर का दरवाजा का ताला खोलकर अज्ञात व्यक्ति अंदर घुसकर ग्रंथालय में रखे पुस्तक को चोरी करके ले गए, की रिपोर्ट पर धारा 457-3।
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बस्तर के नक्सलवाद कम होने के दावे पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नक्सली लगातार बस्तर में हिंसक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किस आधार पर नक्सलियों पर लगाम कसने में सफल होने का दावा कर रहे हैं। नक्सल मामले पर प्रदेश सरकार पूरी तरह से नाकाम है। प्रदेश के मुख्यमंत्री वास्तविकता पर पर्दा डाल रहे हैं। बस्तर में लगातार नक्सली गतिविधि जारी है और आम लोग नक्सलियों से परेशान हैं। पहले दूर दराज में नक्सली चले गए थे डर के मारे, आजकल सड़क के किनारे नक्सली का मूवमेंट चल रहा है। हम देख रहे हैं कि लगातार जो सड़कों का काम हो रहा है उसको उखाड़ने का काम नक्सलियों के द्वारा किया जा रहा है। उपकरण को जला रहे हैं, अपहरण करके ले जा रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। शासकीय जो कर्मचारी हैं, सरपंच है, उनकी हत्या हो रही है और उसके साथ में जन अदालत लगा करके जिस प्रकार से नक्सली का बोलबाला वहाँ पर कायम है। मुख्यमंत्री जी 3.5 साल में इस नक्सली मूवमेंट को लेकर के आज तक कदम नहीं उठा पाई। आखिर नक्सलियों के खिलाफ में लड़ाई क्या लड़ने चाहती है स्पष्ट आज भी नहीं है और इसका सबसे बड़ा जो इसके कारण में नक्सलियों को मनोबल बढ़ा हुआ है, आम आदमी का मनोबल गिरा हुआ है। आज आम आदमी सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना नामक संस्था के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने जैन धर्म और साधु संतों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसे लेकर सनातन समाज ने घृणा फैलाने वाले के विरोध में विशाल रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। संत का अपमान नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं जैन साधु यानी किसी के विरोध में कुछ भी नहीं कहते हैं, वो एकता प्रेम संगठन और अहिंसा की पुकार करते हैं, वो संदेश देते हैं ताकि वो संदेश जन जन तक पहुँचे और किसी के बारे में कभी विरोध नहीं करते हैं। तो जो ये शब्द जैन साधु पे उठाया गया है, ये परदेशी है, इनकी बलि दी जाएगी, ये उचित नहीं है। कोई भी जैन समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, किसी भी संत हो, किसी भी पंथ के हो, उनके प्रति ऐसे शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं पुकार की सुनवाई होनी चाहिए और इसके अंदर यानी बिल्कुल विजय मिलना चाहिए। और जिन्होंने इंदौर में नारकोटिक्स विभाग को बड़ी सफलता मिली है। विभाग ने कार्रवाई करते हुए 885 किलो गांजा जब्त किया है। आपको बता दें कि गांजा उड़ीसा से दतिया लाया जा रहा था, इसी दौरान नारकोटिक्स विभाग ने 6 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। जी, दिनांक 20 मई को एनसीबी इंदौर की टीम ने छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले में 885 किलोग्राम गांजा पकड़ा था और जिसपे 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये उड़ीसा से लेकर के आ रहे थे, हम लोग काफी समय से इसको फॉलो कर रहे थे, हम सर्विलांस कर रहे थे। हमने अपनी 2 टीमें लगाई थी, एक टीम रिसीवर को फॉलो कर रही थी और दूसरी टीम माल लेके आने वालों को फॉलो कर रही थी। पानसेमल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नाबालिग को आरोपी के चंगुल से मुक्त कराया है। दरअसल 24 मई को परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने एक टीम गठित की। आपको बता दें कि तलाशी के दौरान महाराष्ट्र के शहादा से नाबालिग को पकड़ा गया है और फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जिसकी परिजन की सूचना पर दिनांक 24/5/2022 को अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भादवी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था तथा पीड़िता के बयान महिला अधिकारी से कराए गए, जिसमें दुष्कर्म के आरोप होने से आरोपी के विरुद्ध विभिन्न दुष्कर्म की धाराएं एवं पॉस्को एक्ट धारा बढ़ाई जाकर आज मेडिकल परीक्षण कराया जाकर सेंधवा न्यायालय पेश किया जा रहा है। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए किशन जगताप पानसेमल से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशन, जिस तरीके से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने नाबालिग को आरोपी के चंगुल से छुड़ा लिया है, कहां से आखिर उन्होंने इसे छुड़ाया, मुक्त कराया? मैम, पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 मई को ग्राम मनकुई के निवासी बालिका के परिजनों द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद फरियादी के रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना पानसेमल पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला
वह उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन और निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा बालिका की तलाशी के दौरान महाराष्ट्र के शादच आरोपी के चुंगुल से नाबालिग को छुड़ाया गया, जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई करते हुए पुलिस विभाग के महिला अधिकारी से पीड़िता के कथन कराए गए और आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। यह नाबालिग लड़की को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। आरोपी को एडीजे न्यायालय सेंधवा पेश कर उपजेल सेंधवा दाखिल किया गया है। कार्रवाई के दौरान पांचमल पुलिस थाना प्रभारी श्री लखन सिंह बघेल से स्टाफ का सराहनीय कार्य रहा है। जिस तरीके से अब आरोपी को पकड़ा जा चुका है, तो उससे जब पूछताछ की होगी पुलिस ने, तो क्या बताया किस तरीके से उसने नाबालिग का अपहरण किया? वो तो भेला फुसला कर नाबालिग को ले गया था। तो नाबालिग से महिला अधिकारी ने बयान करवाया तो नाबालिग ने बोला कि मैं भेला फुसला के लेके गया था। तो क्या आरोपी उस लड़की को, जो लड़की थी वो आरोपी को पहचानती थी, कोई जान पहचान वाला था या कोई रिश्तेदार था? जान पहचान कॉलेज में पढ़ती थी, कॉलेज मतलब स्कूल टाइम से उनकी पहचान थी, थोड़ी जान पहचान थी। और इसी प्रकार आरोपी ने लड़की को चुंगुल में फंसा कर लेके गया था। नाबालिग का क्या कहना था, उसकी आप बीती सुनी होगी आपने, क्या कुछ कहा उसने? नाबालिग का कहना यही था कि मैं मेरे को भेला फुसला कर लेके गया था और मैं गई थी और अभी मैं, सहमति मेरी नहीं है कि मैं अभी मेरे परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूरजपुर जिले के बिहारपुर में 1.5 साल पहले सोनी साहू की हत्या का खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस ने बताया कि प्रेमी ने ही उसकी हत्या कर उसके शव को जंगल में दफना दिया था। बता दें कि युवक लड़की को शादी का झांसा देकर अपने घर ले आया और दोनों साथ रहने लगे और 2 जनवरी को युवक ने सोनी की हत्या कर दी। वहीं पुलिस के इस प्रयास की सराहना की जा रही है। जो है उनके परिजनों ने दर्ज कराई थी, उस पे बिहारपुर चांदनी जो पुलिस है उसने गुमनाम दर्ज किया था। उसके बाद लगातार इसकी जांच की जा रही थी और पुलिस को लगभग 1.5 साल के दौरान जो है पूरी तरीके से सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, जो आज जो है सफलता के रूप में प्राप्त हुई है। इसके लिए मुखबिर भी तैनात किए गए थे और लगातार पुलिस ने जो इसमें प्रयास जारी रखा। मैं पूरी पुलिस टीम को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिसमें हमारे एडिशनल SP SDOP साहब और चांदनी थाने में भी जो है हमारे पदस्थ जो निरीक्षक हैं और पूरी पुलिस की टीम जो है लगातार अपने प्रयासों के फलस्वरूप जो है इस अंधे कत्ल को उजागर किया। जबलपुर पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इसी कड़ी में ओमती पुलिस ने मुस्कान हाइट्स में दबिश देते हुए 2 आरोपियों को ऑनलाइन सट्टा खिलवाते हुए गिरफ्तार किया, जहां मौके पर पुलिस ने कई मोबाइल, बैंक पासबुक, डायरियां और 70 लाख रुपए जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुड़ा ने बताया कि ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। चारों 605 उमंग घरों में इनकम टैक्स और जबलपुर पुलिस की संयुक्त दबिश हुई, जिसमें कि एक जो घर था वो आकाश गोगा और उनका भाई जो अजीत गोगा उनसे संबंधित था। उनके घर में ऑनलाइन वेब से एक्सचेंज के माध्यम से जो ऑनलाइन सट्टा चलता है उनके मोबाइल से उसके प्रमाण मिले। साथ ही साथ जो दूसरे घर में दबिश हुई वहाँ भी कैश मिला। दोनों घरों की संयुक्त दबिश में करीब 70,65,000 रुपये, नोट गिनने की मशीन एवं मोबाइल जिसमें लेन देन का हिसाब सट्टे का है वो मिला है। ये मैं इसको बहुत अच्छी कार्रवाई मानता हूँ, क्योंकि अमूमन सट्टा खिलाने का जो ट्रेंड है अब सट्टा पर्ची से परिवर्तित होकर के ऑनलाइन वेब का जो एक्सचेंज के माध्यम से खिलाया जा रहा है वो एक नया ट्रेंड देखने को मिला है, जिसको पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन इनकम टैक्स एवं पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये संभव हो पाया है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।